हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, यूट्यूब पर तो हर कोई वीडियो देखता है, जैसे कि यह वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आप लोग यह यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को यूट्यूब एप्लीकेशन के कुछ हाइडन फीचर बताऊँगा जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। सो दोस्तों, यूट्यूब का पहला फीचर काफ़ी ज़बरदस्त है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो उस फीचर का नाम है इनकॉग्निटो। इसे इनेबल कर देने के बाद फ्रेंड्स, आप लोग यूट्यूब में जो भी कुछ देखोगे, जो भी वीडियो देखोगे, वो आप लोग को हिस्ट्री में नहीं रहेगा। जैसे कि आप लोग कुछ भी सर्च करते हैं और वह वीडियो को देखते हैं तो आप लोग को हिस्ट्री में आके रह जाता है, लेकिन इसे इनेबल करके आप लोग यूट्यूब के एप्लीकेशन में देख सकते हैं। आप लोग को पता ही ना चलेगा कि कौन सा वीडियो देखे और आप लोग का हिस्ट्री में हुआ नहीं रहेगा। तो इसे इनेबल करने के लिए आप लोग को सिंपली सा अपने यूट्यूब के लोगों के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद वहां पर आप लोग का एक ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑन इनकॉग्निटो का, इसे इनेबल कर देना है, जिससे आप लोग कुछ भी देखिए आप लोग का हिस्ट्री में हुआ नहीं रहेगा। तो यह काफ़ी ज़बरदस्त फीचर था। तो चलिए मैं आप लोग का अब नेक्स्ट फीचर के बारे में बताता हूँ। तो दूसरा फीचर भी काफ़ी ज़बरदस्त है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जैसे कि हम सभी YouTube पर वीडियोस देखते हैं तो हम लोग का MB धीरे धीरे ख़त्म होता है, लेकिन आप लोग को एक और ऐसा फीचर के बारे में बताऊंगा जिससे आप लोग का MB खत्म नहीं होगा। तो सिंपली अपने YouTube के लोगों के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को ऊपर में जनरल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पर आप लोग को लिमिट डाटा का ऑप्शन मिलेगा, उसे अगर आप लोग इनेबल कर दोगे तो आपके जो HD वीडियो देखते हैं उसमें ज़्यादा MB खर्च होता है, उस पर आप लोग को HD वीडियो नहीं चलेगा। सिर्फ आप लोग जो वाईफाई से वह वीडियो को HD में देख सकते हैं। तो इस तरह आप लोग अपने फ़ोन का MB बचा सकते हैं। तो यह रहा दूसरा फीचर। तो चलिए मैं आप लोग को अब नेक्स्ट फीचर के बारे में बताता हूँ। सो दोस्तों, तीसरा फीचर यह है कि जब हम लोग YouTube पर किसी भी वीडियो को देखते हैं, देखने के बाद जब हम लोग राइट साइड डबल टैप करते हैं तो 10 सेकंड हम लोग का वीडियो आगे चला जाता है, और जब हम लोग लेफ्ट साइड डबल टैप करते हैं तो 10 सेकंड हम लोग का वीडियो पीछे हो जाता है। लेकिन आप इस ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, स्किप को ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को सिंपली अपने यूट्यूब के लोगों के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को सेटिंग्स पर जाना है, जनरल पर जाना है। उसके बाद आप लोग को वहाँ पर देखिएगा स्किप का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप लोग को क्लिक करिएगा। वहाँ से आप लोग 5 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक आप लोग बढ़ा सकते हैं। अगर आपके अभी फ़ोन में 10 सेकंड है तो वहाँ पर आप लोग 15 सेकंड 20 सेकंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यह था तीसरा फीचर। उसके बाद चलिए मैं आप लोग का नेक्स्ट फीचर बताता हूँ। जो चौथा फीचर है हम लोग का, वह है टाइम वॉच का। टाइम वॉच का मतलब है आप यूट्यूब में कितने समय देते हैं। जैसे कि अगर आप यूट्यूब में 2 घंटा समय देते हैं तो आप लोग को वहाँ पर देखने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसके लिए सिंपली से आपने YouTube के लोगों के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे देखिएगा, वहाँ पर आप लोग का एक ऑप्शन मिलेगा टाइम वॉच का। वहाँ पर आप लोग को सारा एनालिटिक्स शो कर देगा कि आप दिन भर में YouTube कितने घंटे देखते हैं। आप लोग लास्ट 7 डे का भी देख सकते हैं कि एक सप्ताह में आप लोग कितने घंटा YouTube यूज किए हैं। तो यह था फीचर। तो चलिए मैं आप लोग का अब नेक्स्ट फीचर के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, YouTube का पांचवा फीचर है नॉट इंटरेस्ट का। जैसे कि जब आप लोग YouTube के एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप लोग वहाँ पर देखिएगा बहुत सारे वीडियोस देखने का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर आप लोग को ऐसे वीडियो देखने का ऑप्शन मिलेंगे जो आप लोग पसंद करते देखना, लेकिन आप लोग को कुछ ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे जिसमें आप लोग को इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो उस वीडियो को आप लोग डायरेक्ट वहां से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आप लोग देखिएगा उस वीडियो के नीचे आप लोग को 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आप लोग को वहां पर नॉट इंटरेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग का वह वीडियो वहां से रिमूव हो जाएगा और वह वीडियो दोबारा आपके होम पेज पर नहीं आएगा। तो यह था पाँचों फीचर। सो दोस्तों, यूट्यूब का जो छठा फीचर है, जो लास्ट फीचर है, ये काफ़ी यूजफुल फीचर है जिसका नाम है पाउच हिस्ट्री। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। जब आप लोग YouTube के एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप लोग जिस भी टॉपिक पर सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद आप लोग को वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ देखने का ऑप्शन मिल जाता है। और जब आप लोग वह वीडियो को देख लेते हैं, देखने के बाद आप लोग देखिएगा वह वीडियो आप लोग को हिस्ट्री में रह जाएगा। लेकिन यह एक ऐसा कमाल का फीचर है जिससे आप लोग इनेबल कर देंगे तो वह वीडियो हिस्ट्री में नहीं जाएगा। तो इसके लिए सिंपली से अपने YouTube के लोगों के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग को वहाँ पर देखिएगा हिस्ट्री एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग को वहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन मिलेगा आप लोग का पाउच वॉच हिस्ट्री। इसका मतलब है आप जो वीडियो देखे हो उसको आप लोग छुपाना चाहते हो, तो इसके लिए सिंपली सा उसको इनेबल कर देना है। उसके बाद दूसरा आप लोग का ऑप्शन मिलेगा पाउच सर्च हिस्ट्री। जब आप लोग कोई भी वीडियो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद आप लोग का वह वीडियो हिस्ट्री में चला जाता है, तो उसको छिपाने के लिए आप लोग को यह पाउच हिस्ट्री को इसको भी इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने से आप लोग को जो भी कोई यूट्यूब से सर्च करके देखता है या वॉच करता है ब्राउज फीचर से, तो आपका हिस्ट्री में नहीं रहेगा। तो ये कुछ 6 हाइडन फीचर थे यूट्यूब के एप्लीकेशन में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम सूरज माथो 23। यह लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।